प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर। आज हम साहित्य की एक नई तकनीक या फिर विधा के बारे में अध्ययन करेंगे। उस विधा का नाम है फतांसी, जिसे हम अंग्रेजी के या अंग्रेजी में फैटेंसी कहते हैं, जो यूनानी शब्द फैटेंसिया का रूपांतरण है और जिसका अर्थ होता है कल्पना द्वारा संभाव्य संसार की सर्जन करने की क्षमता। इसमें कभी कल्पना द्वारा एक नए संसार का निर्माण करता है, इस संसार कैसा होना चाहिए। फैटेंसी है वो मनोविज्ञान का शब्द है। इसमें सौपन और अचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। इसमें जीवन का यथार्थ रूपायित नहीं हो सकता या नहीं होता, लेकिन तकनीक के माध्यम से जीवन यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें वास्तविक जीवन को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन वास्तविक जीवन न दर्शाने पर भी यह बिंब के रूप में हमें वास्तविक जीवन के बारे में बता सकता है। ये इस तरह का वास्तविक जीवन होना चाहिए। और बिंब से आप समझ गए हो, बिंब किसे कहते हैं, यानी कि काल्पनिक चित्र, यानी कि शब्दों द्वारा हमारे मन में या हमारे अंतःकरण में जो शब्द जो चित्र बनते हैं वो बिंब कहलाते हैं। हमारे प्रसिद्ध आधुनिक कवि मुक्तिबोध ने बहुत अच्छी फैटेंसी परक्ष रचनाएं लिखी है, जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस। उन्होंने फैंटेसी की परिभाषा दी है कि मन की निगुड वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों का और इच्छित जीवन स्थितियों का जिस काव्य में प्रक्षेप होता है वह फैटेंसी कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कवि की निगुड वृत्तियों का मतलब होता है अत्यंत गुप्त बातें, यानी कि बहुत ही रहस्य में बातें और अनुभूत जीवन समस्याओं का। और कवि इसमें कौन कौन सी समस्याओं का कवि ने अनुभव किया है या भुक्त भोगी है जिन समस्याओं से, वो इच्छित विश्वासों में, और कवि किन किन चीजों में विश्वास रखता है, यानी कि उनकी क्या इच्छा है कि क्या क्या कार्य है वो होने चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। इच्छित जीवन स्थितियां, इच्छित जीवन स्थितियों से तात्पर्य ये है कि जीवन जीने के लिए उन्हें किस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, किस तरह की परिस्थितियां उनके लिए लाभदायी होनी चाहिए। ये फैटेंसी की एक परिभाषा है। इसमें कवि अपने संभाव्य संसार की रचना करता है कि उसके सौपन का संसार है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें सब मनुष्यों को किस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। कवि फैटेंसी की रचना क्यों करता है, इसके पीछे उनका क्या प्रयोजन होता है, तो प्रयोजन में हम लेते हैं तो तीन बातें सामने आती है। पहला तो होता है मनोरंजन, पहला प्रयोजन है वो मनोरंजन आता है कि कवि अपने मनोरंजन के लिए या फिर पाठकों के मनोरंजन के लिए फैटेंसी परक काव्य की रचना करता है। दो नंबर पर आता है पलायन, कि कवि अपने वास्तविक जीवन से पलायन कर जाता है या वास्तविक जीवन से पलायन करने के लिए वह अपने स्वप्न के संसार की रचना करता है।
क्योंकि उसे जो वास्तविक संसार है उसमें कुछ कमियां नजर आती है और उन कमियों को देखते हुए उनका अंतःकरण है वो बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाता है या दुखी हो जाता है। तो वह उस वास्तविक संसार से क्या है कल्पना पलायन कर जाता है, छोड़ देता है वो उसको, अपनी एक नई दुनिया बसा देता है। और नंबर तीन है वो है नया दृष्टिकोण। तो तीन नंबर प्रयोजन है वो नया दृष्टिकोण है, वो मुक्तिबोध की कविताओं के अंदर है, वो दृष्टिगोचर होता है। नवीन दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि कवि नए तो मनोरंजन के लिए फटे सी रचना रचता है और नए वो वर्तमान से पलायन करता है, बल्कि अपना नवीन दृष्टिकोण रखता है कि हमारा समाज या संसार कैसा होना चाहिए कवि की नजरों में। तो फटेसी के अंदर कवि है वो एक नए समाज की निर्माण करता है और उस समाज में क्या क्या होना चाहिए ऐसी बातें हैं उस काव्य के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाता है। ये फटेसी परक तकनीक है जो आजकल आधुनिक काव्य में बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जा रही है। धन्यवाद।